वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में मैंने आईटीआई से रिलेटेड कुछ जो है सवालों को इंक्लूड किया है और उनके जवाब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो सवाल थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बार बार पूछ रहे थे। और आपको पता ही है, अभी थोड़े समय के लिए जो है मेरे जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स जो है डिसेबल कर दिया गया है। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, खाली आप लोगों को कमेंट दिख रहा है, वो भी एक कमेंट, लेकिन मेरे पास जो है कमेंट नहीं पहुँच पा रहा है। अब ये क्या बग है, कितने टाइम बाद ये रिजोल्व होगा, तभी जो है मैं आप लोगों की क्वेरी सॉल्व कर पाऊंगा। उसके अलावा जो है मैं आप लोगों को फेसबुक ग्रुप का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, अगर आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, या तो मैं वहाँ पर जवाब दे दूंगा, या फिर कोई और जो है सीनियर आपका जवाब दे सकता है, या फिर जो है मैं इस तरीके से ही वीडियो बना दूंगा जिस तरीके से मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो भाई, आपको पता है हाल ही में आईटीआई वाले बच्चों का रिजल्ट आया है, और आईटीआई वाले बच्चे जो है इस टाइम पर ये बोल रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट आ गया, क्या हम जो है रजिस्ट्रेशन कर दें अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे। सर अभी जो है हमारा यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, सर हमारा थर्ड चल रहा है, सर हमारा फोर्थ चल रहा है, सर हमारा ईयरली है, अभी फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ है, क्या हम अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर दें। तो कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनके जवाब जो है यहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हमारा MIS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा, हम जब अपना जो है सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं तो हमारी डिटेल्स फैच नहीं होती, क्या इशू है प्लीज़ हमें बता दो। तो इन जो है सवालों के जवाब मैं आपको दे दूंगा, और इनका रेजोल्यूशन मेरे पास है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हमारा MIS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, क्योंकि जब हम सर्टिफिकेट नंबर डाल रहे हैं तो वहाँ पर जो है हमारा जो डिटेल्स है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर फैच होके नहीं आ रहा है। देखो भाई, आपको बता दूँ, ये जो आपका होता है मोस्टली बच्चों के साथ तो नहीं होता, कुछ कुछ बच्चों के साथ होता है, जब आप अपना अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं तो जैसे ही सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं तो आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाती है, जो आपने जो है ITI के टाइम पर फिल की थी, फॉर्म फिल करते टाइम, तो वो डिटेल्स आपकी फैच होके आ जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डिटेल्स नहीं आ पाती, तो उनके पास एक ही सोल्यूशन है, या तो वो जो है अपने ITI इंस्टीट्यूट के पीछे पड़ जाएं, उनसे जो है उस चीज़ को करेक्ट करवाएं कि अभी तक हमारा जो है डेटा अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे चढ़ा क्यों नहीं है, हमारे सर्टिफिकेट नंबर से जो है यहाँ पर हमारा जो है डेटा आ ही नहीं रहा है। तो इसके लिए आप अपने इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। या फिर आप लोगों को एक और सोल्यूशन दे सकता हूँ, ये जो आप लोग की NCVT की साइड है, ये जो है MIS वाली, इस पर जो है आप हेल्पलाइन जो मेल IDs है उस पर देखेंगे तो उस मेल ID पर आपको जो कनेक्ट होना है, उस मेल ID पे कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करके जो है अपनी जो भी आपकी दिक्कत है वो जो है आपको उस मेल ID पे फॉरवर्ड करनी है, और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आता है तो फिर जो है आपका वहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही है इस चीज़ का सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। या फिर आपने रिसेंटली अभी ITI अपना कंप्लीट किया है तो फिर जो है आप थोड़े समय तक वेट कर सकते हैं, उसके बाद जो है आपका डेटा वहाँ पर अपडेट होता है। इन केस अगर 3-4 महीने में नहीं हो पाता तो आप जो है डायरेक्टली अपने इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे ऐसा होता है कि जब आप अपने ITI कर रहे होते हैं, पहले ईयर में ही आपने अपना ITI कंप्लीट किया है, तो उसी टाइम पर आपका डेटा जो है वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है बहुत सारे कॉलेजों द्वारा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है कि सर हमने अभी जो है अपना ITI कंप्लीट नहीं किया, हम 4th सेमेस्टर में, हम 3rd में, हम 2 में, क्या हम अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर दें। देखो भाई, आपको बता दूं, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आप लोग रजिस्ट्रेशन तभी करें जब आपका जो है प्रॉपर तरीके से ITI कंप्लीट हो जाए, जब आपको सर्टिफिकेट नंबर मिल जाए, क्योंकि विदाउट सर्टिफिकेट नंबर भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बट वो इररिलेवेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो है फिर बाद में आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यही बोलूँगा कि आप लोगों को ITI कंप्लीट करने के बाद जब आपका सर्टिफिकेट नंबर मिल जाता है तब आप रजिस्ट्रेशन करें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है या फिर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस प्रोफाइल के बेस पर जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल से निकलती है, तो फिर जो है आप कर सकते हैं। अब ये जो प्रोफाइल है अप्रेंटिसशिप पोर्टल से कैसे निकलती है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा फेसबुक ग्रुप का, और जो है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है कैसे प्रोफाइल निकलती है उसका, और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ना मिले तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख लेना, यहाँ पर भी लिंक आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है तो पहले नंबर पर फेसबुक ग्रुप आपको दे रखा है, अगर आपका कमेंट जो है
मेरे पास नहीं पहुंचता है फिर तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी बग आ रखा है यूट्यूब पर चैनल पे। और अगर मेरे पास पहुंच जाता है आपका कमेंट तो मैं जो है उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी यही बोलूंगा, चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। ये इस बच्चे का सवाल मैंने फेसबुक ग्रुप से ही निकाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका जवाब दे पाते नहीं दे पाते, बट आई थॉट कि मैं आपका जवाब दे देता हूँ, ठीक है। और बाकी कुछ आप लोगों को बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब चाहिए तो आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान @gmail.com पर अपने जो है सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, अगर मुझे लगा कि उस सवाल का जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। धन्यवाद। बाकी दोस्तों तक वीडियो को पहुँचा देना, ज़्यादा कुछ मैंने बताया नहीं है इस वीडियो में, बहुत ही कम चीज़ें आपको मैंने जो है यहाँ पर प्रोवाइड की है। धन्यवाद।